लास्ट वीडियो में हमने ये किया कि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। एक पर्टिकुलर मेथड बनाया हुआ हमने आपके लिए। वो मेथड में क्या होता है, आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहले तो जैसे हमने एवरेज का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, सम डिवाइडेड बाय नंबर। बट अगर सम निकालना हो तो वो क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, और यू कैन से नंबर इंटू एवरेज। सपोज आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में कि एक क्लास है और उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं ए सेक्शन में, एंड बी सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं अपना 20। इस तरह से दिया हुआ है और उनके मार्क्स, जब एवरेज का क्वेश्चन आता है तो इट कैन बी फॉर एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, एवरेज मनी, एनीथिंग, कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है। तो पर्टिकुलर एक मेथड हमने क्या बनाया हुआ है कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये एक मेथड आपके 99% क्वेश्चन में लग जाएगा। कैसे, कॉलम बनाओ, एक नंबर बनाओ, आफ्टर दैट एवरेज बनाओ, आफ्टर दैट सम। सपोज क्लास में ए सेक्शन में अभी बात कर रहे हैं हम, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं 70। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके एवरेज मार्क्स क्या है, 70 है। एक और सेक्शन है बी सेक्शन, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स है वो है 40। अब हमें निकालना तो डाटा क्या पड़ सकता है कि सारे बच्चों की, होल क्लास की एवरेज निकालो, एवरेज मार्क्स निकालो। उस केस में क्या करना, आपने होल का मतलब क्या होता है, सारे, सारे का मतलब क्या होता है, इन सबको क्या कर दो, एड। एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी एवरेज विल नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एवरेज को कभी प्लस माइनस नहीं करना, वो हमेशा फाइंड आउट करनी है आपने थ्रू सम। अब आप ये सम बताओ इस ए सेक्शन का कितना होगा अगर 70 एवरेज है तो। अभी यहां क्या बताया मैंने, सम कैसे निकलेगा, नंबर इनटू एवरेज, नंबर 30, एवरेज 70, दैट मींस ये सम कितना आ गया, 2100। ऐसे इसका सम निकाल लो, 20 इनटू 40 कितना, 800। ये सम अलग अलग आ गया सेक्शन वाइज। अब पूरी क्लास का निकाल लो इकट्ठा करके, तो वो कितना आ जाएगा, 2900। ये 2900 किसका सम आया, पूरी क्लास का, और पूरी क्लास के बच्चे कितने हैं, 50। तो जब एवरेज निकालनी है तो क्या काम आएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम इज 2900 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिल किया आपने, ये डायरेक्टली आ गया 58। तो ये जो 58 एवरेज है, ये जो एवरेज आई आपकी, ये होल क्लास की एवरेज होगी। दिस इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास। सेम ही क्वेश्चन एक और दूसरे वे में करते हैं, नंबर एवरेज सम। एग्जाम्पल इसका भी और लेते हैं हम, 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देयर एवरेज मनी विद देम इज 20, 20 रुपए उनके पास है। तो 100 अगर बच्चे हैं, एवरेज 20 रुपए सबके पास है, तो इसका मतलब सबका सम कितना हो जाएगा, 2000। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं इसी में से अराउंड 20 स्टूडेंट्स लोग जिनके पास एवरेज मनी ही सिर्फ 5 रुपीज है, दैट मींस इनका सम कितना हुआ, 100। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, जो रेस्ट ऑफ द 80, रेस्ट बचे हुए रिमेनिंग जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास एवरेज मनी कितनी होगी। उस केस में क्या करना है, रेस्ट का मतलब माइनस कर दो, 80 आ गया, यहां पर ये माइनस कर दो, 1900 आ गया। ठीक है, सम में से ये वाला सम माइनस कर दिया, नंबर में से नंबर माइनस कर दिए, अब फिर से वही सेम बात आ गई कि 1900 डिवाइडेड बाय 80 जो होगा वो आपका क्या होगा, एवरेज। और ये एवरेज किसकी हुई, द रिमेनिंग 80 स्टूडेंट्स उनकी एवरेज आ गई। ऐसे दो तीन एग्जांपल अभी मैं आपको और बताता हूं जिससे आपको मोर क्लियर हो जाएगी पिक्चर। मेथड सेम ही यूज करेंगे, लेट अस टेक 100 नंबर्स एंड देयर एवरेज वैल्यू। जैसे हमने वैल्यूज लिखी थी 2, 4, 5 से, रैंडमली कोई भी नंबर पिक कर लो आप, उसमें से जब मैंने इनका सम निकाला, एवरेज सॉरी एवरेज 20 आई, तो उनका जो सम था वो क्या था, 2000। बट क्वेश्चन आपको क्या है कि ये क्वेश्चन में वन नंबर वॉज मिसरेड एज 100 इंस्टेड ऑफ 10।
आ जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने एक नंबर को गलत पढ़ा, आपने नंबर ठीक है 100 थे, अभी भी 100 ही है, बट आपने एक एंट्री गलत कर दी, आपने एक नंबर को पढ़ना क्या था 10 और क्या पढ़ लिया 100, उससे लॉस क्या होगा आपको, एक्चुअल में जो आपका सम आया ये एक्चुअल नहीं है, जो आपने सम निकाला है तो गलत सम होगा ना, क्योंकि एंट्री गलत डाली है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन भी यही पूछता है कि आप इसको रेक्टिफाई करो अपनी प्रॉब्लम को एंड गेट द एक्चुअल एवरेज एंड द एक्चुअल सम। अब देखो नंबर हम अभी भी 100 ही रखेंगे, अभी मैं वैल्यू ऊपर लिख देता हूं कि आपको 100 आपने पढ़ा है और एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना था 10। ये मेथड है एंड शुड रीड दिस, और आपको ये पढ़ना था। अब आपने 100 को मिसरीड किया, ठीक है, आपने 10 पढ़ना चाहिए था आपको और आपने पढ़ा 100, दैट मींस आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया 90। वो 90 अब आपने क्या कर देना है, इस सम में से माइनस। वो 90 कहां से आया, देखो आपने 10 पढ़ना था लेकिन आपने 100 पढ़ा, तो वो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 90 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जब मैंने वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो ये जो मेरा सम आया ये मेरा एक्चुअल सम आ गया। नंबर मेरे पास अभी भी 100 ही है, नंबर में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो जब एवरेज निकालनी है तो 1910 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू 19.10। तो ये हमारी एक्चुअल एवरेज है, दिस इज द एक्चुअल एवरेज। क्या क्वेश्चन था, रिपीट करते हैं, चलो 100 नंबर थे, 20 एवरेज थी, सम 2000 आ गया। एक नंबर ऐसा था जिसको आपको 10 पढ़ना चाहिए था, यू शुड रीड दिस, बट आपने पढ़ा क्या, यू मिसरीड As 100, तो आपने 90 एक्स्ट्रा पढ़ा, तो वो 90 मैंने माइनस कर दिया 90 में से, तो ये मेरा एक्चुअल सम आ गया। तो एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 19.10 इज द आंसर। इसी से रिलेटेड सेम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। आपके पास 100 नंबर है, 20 एवरेज है, एवरेज मनी पहले बता चुका हूं मैं, मनी हो, वेट हो, हाइट हो, कुछ भी हो, 2000 सम है। वो आपको बोलते हैं कि आपने टू वैल्यूज या टू नंबर्स आपने एक्स्ट्रा रीड किए जो कि आपको नहीं पढ़ने चाहिए थे, दैट मींस आपके पास नंबर कितने हैं 98 हैं। वो दो नंबर जो आपने एक्स्ट्रा रीड किए उनकी वैल्यू दी हुई है, एक की 55 है और एक की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो 45 है। ये दो वैल्यूज आपको इस सम में से माइनस करनी पड़ेंगी टू गेट द एक्चुअल एवरेज। ये दोनों वैल्यू माइनस कर दो या इनका इकट्ठा सम कर लो, पहले इनका सम कर लो, 55 प्लस 45 कितना हो गया 100, ये 100 इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, 1900 इज द एक्चुअल सम एंड 98 इज द नंबर। फिर क्या करेंगे, जब एवरेज निकालनी है तो अगेन 1900 डिवाइडेड बाय 98, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एक लास्ट केस और डिसाइड करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। सपोज एक क्लास है, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट 30 है सपोज, तो इनका सम कितना होगा 900, 13 to 30। बट अभी क्या है, ये क्लास की बात की थी, अब लेट अस सपोज कि एक टीचर और एंटर कर गया क्लास में, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 30 से 31। एवरेज में उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन में कि एवरेज जो है वो 30 से 2 और बढ़ गई है, 2 और इंक्रीज हो गया, तो वो कितना हो गया 32। और क्वेश्चन आपके पास क्या आया कि जो एक्स्ट्रा पर्सन आया, जो एक्स्ट्रा टीचर आया, उसका वेट क्या है, उस केस में कैसे होगा, बेसिकली ये 31 जो है विद टीचर है और ये 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर इस 31 में से ये 30 माइनस करें तो ऑटोमेटिकली जो 1 बचेगा वो कौन होगा टीचर, तो जो टीचर का वेट जब आपने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि इन बच्चों का वेट एवरेज वेट और विद टीचर सबको मल्टीप्लाई करो, ये 992 सम आया With teachers and students, total 992 हमारा क्या है वेट, और यू कैन से सम, किसका सम, सारे बच्चों का और टीचर का, और ये सिर्फ बच्चों का है या स्टूडेंट्स का है, तो आप इसमें से ये वाला क्या कर दो माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली जो बच गया 92, ये जो वेट आया 92, आप केजी ले लो, ये केजी में था सपोज, मैंने केजी में लिया, तो 92 केजी जो है वो टीचर का वेट आ गया। 1 के लिए कभी भी एवरेज निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आप 92 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्या केस था, मैं रिवाइज कर देता हूं इसको आपको, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरेज वेट दिया हुआ 30 केजी, तो उनका सम कितना हुआ 900, बट क्वेश्चन क्या है कि एक टीचर के और आने से
क्लास की जो एवरेज वेट है वो बढ़ गया बाई 2 kg, तो वो क्या हो जाएगा 31 नंबर हो गई, वेट 32 हो गया। अब ये 32 और 31 को मल्टीप्लाई करके 992 है सम। इस सम में से विदाउट टीचर वाला सम माइनस कर दो तो जो ये वेट बचेगा ये किसका वेट होगा, टीचर का। ठीक है, तो ये हमारे जनरल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद भी कुछ और हैं जो हम और आगे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ओके।